दोस्तों, आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपनी जिंदगी में जो चल रहा है उससे ज्यादा दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। आप चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, लोग उसमें कमी निकलने के लिए तैयार ही रहते हैं। आप जब भी कोई काम करते हैं तो सभी लोग आपके काम की सराहना करने की जगह या तो आपकी टांग खींचते हैं या आपके काम में कमी निकालते हैं। अक्सर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हमारी यही सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत से लोग अपनी पसंद का मनचाहा काम इसी डर से नहीं कर पाते। हमें हमेशा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बार भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती अपने वाहन बैल के साथ यात्रा कर रहे थे। भगवान ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया था जबकि पार्वती जी युवा और सुंदर बनी रही। रास्ते में सभी राहगीर एक बूढ़े पुरुष और एक युवा महिला की इस विचित्र जोड़ी को आश्चर्य से देख रहे थे। रास्ते में शिव ने कहा, पार्वती जी मेरी प्रिय, कृपया इस यात्रा के दौरान बैल पर बैठकर सवारी करें। वह आज्ञा मानकर बैल पर सवार हो गई और शिव उनके साथ साथ चलने लगे। गांव के लोगों और अन्य अजनबियों ने कटु आलोचना की, कैसी स्वार्थी महिला है, वह युवा और स्वस्थ है और फिर भी वह आराम से सवारी करना पसंद करती है जबकि बूढ़े व्यक्ति को चलने के लिए मजबूर किया जाता है। शिव ने अपना विचार बदल दिया, पार्वती देवी लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, यह अधिक बुद्धिमानी है कि मैं बैठूं और आप चलें। ऐसा कहकर शिव बैल की पीठ पर बैठ गए। वह सवारी का आनंद लेता है और इस युवा और सज्जन महिला को पैदल चलने के लिए मजबूर करता है। यह सुनकर वे दोनों बैल पर चढ़ गए। कम से कम इससे आलोचनाओं से तो बचाव हो जाएगा, लेकिन वे बहुत बड़ी गलती कर रहे थे और जैसे ही वे अगले गांव में पहुंचे, लोगों ने उनका उपहास किया और उनका मजाक उड़ाया। इस दुष्ट जोड़े को देखो, वे दोनों बेरहमी से बैल पर चढ़ गए हैं, वे बेचारे को मार डालेंगे। अब केवल एक ही विकल्प बचा था। वे उतर गए और बैल को स्वतंत्र रूप से चलने दिया। वे दोनों उसके साथ साथ चले। चलते समय उन्हें नए लोग मिले जिनमें नई कड़वाहट थी। वे उन पर हंसे, चिल्लाए, क्या मूर्खता है, उन्होंने एक बैल को वाहन के रूप में ले लिया है और उनमें से कोई भी इसका उपयोग नहीं कर रहा है। शिव ने सीधे पार्वती से कहा, आओ हम वही करें जो हमें सही लगता है और जिस तरह से हम जीना चाहते हैं वैसे जिए। दुनिया कभी भी हमारी सराहना नहीं करेगी या जो हम करते हैं उसे सही नहीं मानेगी। इस दुनिया में अगर हम कोई अच्छा काम भी करें तो भी हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा और उसका समर्थन नहीं करेगा। समस्या हमारी दुनिया की प्रकृति में है। अगर कोई साधु चमत्कार दिखाता है तो लोग कहते हैं वह काला जादू करता है और उसके पास बुरी शक्तियां हैं, और अगर कोई साधु चमत्कार से बचता है तो कुछ लोग शिकायत करते हैं, अरे वह कोई चमत्कार नहीं दिखाता, वह साधारण है और किसी काम का नहीं है। यही सोच हमारी दुनिया पर चलती है। यह दोनों तरफ से टेढ़ी है और आप चाहे जो भी करें दुनिया आपको कभी सीधा नहीं देखेगी। इसलिए सांसारिक लोगों की बातों पर ध्यान न दें और ईश्वर की भक्ति करते रहें।